नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में जानने के लिए हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हम पहुंचे हैं लोगों के बीच में और सवाल करते हैं कि आज इनका गुरु राम रहीम जी के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बंटी सर। बंटी जी क्या काम करते हैं? मैं टेलर हूँ, लेडीज टेलर। जी सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं हम, आज से नहीं 15-20 साल पहले से जुड़े हुए हैं इस डेरे के साथ। और मेरा जन्म सिरसा का ही है मैडम, मेरी मम्मी खुद यहाँ से बच्चे हुए हैं। तो बहुत ही कुछ कह बयान नहीं कर सकते हम कि मतलब डेरा सच्चा सौदा के बारे में, लिखने में भी आए तो सारा दिन लग जाए तब भी नहीं कह सकते कोई डेरा सच्चा सौदा क्या चीज़ है। मानवता भलाई कार्य में सबसे आगे डेरा सच्चा सौदा कार्य है, पिताजी है हमारे। तो गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं सर? गुरुजी बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है और मान उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते हमारे, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो डेरा सच्चा सौदा के लिए बहुत ही बढ़िया है कि उनके उनका नेचर व्यवहार गुरुजी का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मिलने का। वैसे भी पहले हम आते थे तो बहुत ही पिताजी की उनकी बात ही अलग है। आज 2-2.5 साल हो गए गुरुजी समाज में नहीं है, आज आपकी आस्था उनके लिए कैसी है? आस्था वैसे ही है जो पहले थी, पहले की तरह ही है आज। हमारे मन में कुछ ऐसी बात नहीं है। गुरुजी लोगों को क्या बताते थे सत्संग में, किस तरह से लोगों को प्रेरित करते हैं? नशा छोड़ना और भी कई कार्य है, वो लिखत में आपको बताया जाएगा क्या क्या कार्य है, वो गिनती में तो अभी बताया नहीं सकता जी। सर 2-2.5 साल हो गए नहीं है, तब अब उनका ना रहने से क्या इफेक्ट आया है सोसाइटी के ऊपर? नहीं, सत्संग तो वैसे ही चल रहे हैं, आज कभी वैसे चलते हैं सत्संग, मगर वो आ जाएंगे तो और बढ़िया होगा। हमारे बीच में है, जब भी हम याद करते हैं स्मरण करते हैं तो हमारे सामने ही होते हैं। हमारे को ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर है या अंदर है, हमारे घर में ही है। हम जब भी याद करते हैं हमारे सामने होते हैं। सर एक तरफ उनके सामाजिक कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनके बारे में क्या लगता है? आरोपों को तो क्या कह सकते हैं मैम, वो तो या तो कोई सामने आए तब पता लगे कि क्या है, ये तो खाली चिट्ठी से कुछ नहीं होता है। आपका क्या मानना है? नहीं, वो तो निर्दोष है, ये तो हमारे को पता ही है, हम इसलिए तो मानते हैं, नहीं तो निर्दोष है वो तो। आज समाज को जरूरत है उनकी? हाँ जी, हाँ जी। सरकार से क्या मांग करेंगे सर? सरकार से यही है कि उनको बेगुनाह होना चाहिए, सजा कटनी चाहिए। थैंक यू सो मच। लगातार जनता है वो फैक्ट बता रही है कि समाज को आज से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बहुत ज़रूरत है। ये हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आपकी क्या राय है जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।